कुछ यहाँ की लोकल चीज खिलाने के लिए ऑफर कर रहे हैं। अच्छा संजय जी, क्या बोलते हैं इसे? वेलकम बैक। आप लोगों ने चक्राता को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और हमें लगा कि हमें कुछ और नई प्रॉपर्टीज वहाँ दिखानी चाहिए। हम रिसेंटली चक्राता गए और हम रुके विस्लिंग माउंटेन रिजॉर्ट में। आइए आपको घुमाते हैं और देते हैं उसका क्विक टूर, साथ में उनके ओनर और लोकल चीज़ों की भी बातें करते हैं। ये जस्ट रामताल एक फेमस स्पॉट है पिकनिक, उसके जस्ट नीचे है एंड यहाँ पे आपकी पार्किंग है। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, हल्की हल्की बरसात है, यहाँ पे बॉनफायर कर सकते हैं आप। और जैसे आप नीचे आते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 8 कॉटेजेस हैं। बहुत ही प्यारा सीनिक व्यू है। आज तो बारिश हुई है, नहीं तो आप इस तरफ स्नो कैप माउंटेन भी देख सकते हैं। क्विकली मैं आपको टूर कराता हूँ। एक रूम का ये यहाँ के रूम्स हैं। रूम में जैसे ही एंटर करते हैं, रूम काफी बड़े स्पेशियस रूम हैं। यहाँ पे इफ यू गो एंड लुक इनटू द टॉयलेट इज आल्सो क्लीन, नीट एंड क्लीन। गीजर, यू गॉट ऑल द फैसिलिटीज जो मॉडर्न फैसिलिटीज होती हैं। काफ़ी अच्छे वेल बिल्ट है, वुडन फिनिश है हर जगह। एंड द बेस्ट थिंग इज यहाँ पे एक ही रूम में आराम से 4 लोग रुक सकते हैं। मैं आपको ऊपर एटिक में भी दिखाता हूँ। यहाँ से स्टेप्स बने हुए हैं क्यूब से और आप चाहें तो ऊपर जाके भी 2 लोग आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। एंड इन्होंने ग्लास व्यू भी दिया है जिससे कि आपको क्लस्ट्रोफोबिक फील ना हो। ये देखिए, कर्टेंस हटाते ही यू गेट ऑसम व्यू ऑफ द हिल्स फ्रॉम हियर। बहुत ही प्यारी, शांत और अच्छी जगह है। यहाँ पे आपका सिटिंग एरिया भी है, आप यहाँ पे चाय पीते हुए आराम से मॉर्निंग में व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ऑफकोर्स किड्स कैन प्ले एज वेल, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस। यहाँ से जैसे ही आप बाहर आते हैं, अब यू कैन सी यहाँ पे बहुत ओपन गार्डन है, ऊपर जाने के लिए रास्ता है, बॉनफायर भी कर सकते हैं रात में। यहाँ पे इवनिंग में बॉनफायर का बहुत मज़ा आता है। ये आपका गार्डन एरिया है, दूर दूर तक बहुत प्यारी व्यूज आती हैं। वो आपका किचन एरिया है और आपको अगर और हिल टॉप का फन करना हो तो काफ़ी विंडी है आज। ये देखिए, आप यहाँ से ऊपर आ सकते हैं आराम से एंजॉय करते हुए। ये है यहाँ के टॉप से व्यू। ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, अभी 1 महीना ही हुआ इसे लॉन्च हुए हुए। एंड द ओनर इज आल्सो वेरी नाइस, उनका नाम संजय है। तो संजय जी, पहले बताइए कि आपकी प्रॉपर्टी को बने हुए कितना टाइम हो गया है, कितने रूम्स हैं और रेगुलर डे पे टैरिफ कितना रहता है? सुमित जी, मेरे को ये प्रॉपर्टी स्टार्ट करा अभी 1 महीना हो गया और रूम्स की बात करूँ तो 8 रूम्स हैं अभी। ओके, बाकी डेवलप हो रहा है और जैसे अभी देखें फर्स्ट सीजन है ये। ओके, फर्स्ट सीजन आप देखें तो लाइक यहाँ पे अभी आप पब्लिक जो है जिस हिसाब से है, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करता, बट उस हिसाब से रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। अच्छा, आपका और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर डेवलप करने की सोच रहे हैं फ्यूचर में? तो अभी तो मेरे को थोड़ा ये 4-5 हट्स और बनाने हैं, सिंगल इंडिविजुअल हट्स जो मेरे कहानी, और अभी मेरे को रेस्टोरेंट है। अगर आप ये जगह देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से प्लान
प्लानिंग ये कि मेरे से वो पूरा रेस्टोरेंट बनाना है यहाँ पर सेटिंग के लिए इस पहाड़ के ऊपर। हाँ जी, ये सब इस पहाड़ के ऊपर पूरा यहाँ से पूरा हिमालय का व्यू आता है। चक्राता से आपकी प्रॉपर्टी कितनी दूर है और अगर लोगों को यहाँ पहुँचना है तो आप ईजीएस्ट रूट क्या सजेस्ट करेंगे? तो चक्राता से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो देहरादून से ये 90 किलोमीटर है, जॉली ग्रांड से कहें तो आपका ये 120 किलोमीटर है। रूट अगर आप चक्राता के लिए आ रहे हैं तो कालसैया से 3 रूट डाइवर्ट होते हैं यहाँ के लिए। अगर आप प्रॉपर्टी इधर आ रहे हैं तो आपको चक्राता जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हार्डली जहाँ से घूम के अगर आप आते हैं तो 22 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन यहाँ से सैया से आप लेते हैं तो हार्डली 12 किलोमीटर बाद सीधा प्रॉपर्टी पहुँच जाते हैं सिर्फ हाफ एन आवर में। ओके, और वेदर ठंडा ही रहता है हमेशा, मतलब प्लेजेंट गर्मी नहीं पड़ती जैसे? अब थोड़ा सा आप कह सकते हो जून में हल्का सा प्लेजेंट रहता है, लेकिन शाम के टाइम 2 बजे के बाद बिल्कुल प्लेजेंट रहता है। अच्छा, इनफैक्ट आपने देखा तो यहाँ पे अभी पंखे भी नहीं लगे। तो जैसे कुछ लोग हमारे आसपास के दिल्ली के आसपास माउंटेन्स में गए थे तो वहाँ पे उन्हें जून में काफी गर्मी झेलनी पड़ी, तो ऐसा यहाँ पे नहीं रहता कि बहुत गर्मी है। यहाँ पे अगर देखें तो मेरा नाम ही है विस्लिंग माउंटेन। हाँ, विस्लिंग माउंटेन। आप यहाँ पे तो पूरी हवा चलती रहती है, फ्रंट आप लेकर पूरा बैठ जाइए तो पूरी अच्छी हवा आएगी, वो फैन एसी कोई जरूरत नहीं है। अक्सर यू नो लोग रेफरेंस से आते हैं, सो आई होप कि जब आपको कोई कॉल करेगा, ऑफ कोर्स हम नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपका, तो आई होप जो भी घूमो वर्ल्ड का रेफरेंस लेगा या हमारा रेफरेंस लेगा, यू कैन गिव देम सम एडिशनल डिस्काउंट, जिससे कि ऑफ कोर्स यू नो हम चाहते हैं लोग आए यहाँ पे और देखें इस जगह कितनी अच्छी है, लोकेशन बहुत प्यारी है, एंड ऑफ कोर्स कॉटेजेस आर वेल मेड, सो कुछ डिस्काउंट जरूर करिएगा। ऑब्वियस चीज है, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहूंगा सुमित जी द्वारा, लाइक ये जो आपने यहाँ पे आप आए और ये जो डिस्काउंट तो हमें ऑब्वियसली उसमें देना ही है, तो कोई राय नहीं है। हम अच्छी अच्छी जगह दिखाते रहे और ऑफ कोर्स यू नो म्यूचुअली उनको भी बेनिफिट लगे कि ओके जगह अच्छी है, दे कम हियर एंड दे एंजॉय दिस नेचर। हम दोबारा आने चाहेंगे और क्यों नहीं अपनी फैमिलीज को भी लेकर आए और अपने फॉलोअर्स को भी यही रेकमेंड करेंगे, एंड इट इज़ वेरी मच अफोर्डेबल। सो फ्रेंड्स, संजय जी जो ओनर हैं वो कुछ यहाँ की लोकल चीज़ खिलाने के लिए ऑफर कर रहे हैं। अच्छा संजय जी, क्या बोलते हैं इसे? सो लोकल मेरा हम लोग काश्मीरी बोलते हैं और ये आप चखे गए, खट्टा मीठा है। अच्छा चलिए मैं टेस्ट करता हूँ एक, चलिए। हाँ हाँ, अच्छा सीजन लाते हैं ये आजकल मई जून में होते हैं ये। अच्छा वही पूरे रेड हो जाते हैं इसमें, इस टाइप का कलर रहता है ये। हाँ, और जो खाएंगे आप तो आप टेस्ट देखिए, खट्टा मीठा टेस्ट है इसका। अच्छा ये देखिए इस टाइप की रहती है। ओके, इसको हम लोग काश्मीरी बोलते हैं। खा के देखिए, खट्टा मीठा ये। अच्छा, तो देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसी लोकल चीज़ें जो होती हैं हम रेगुलरली तो एक्सप्लोर खुद से नहीं कर पाते, पर यस अगर आप जहाँ भी जाएं और अगर लोकल से बात करेंगे आपको डेफिनेटली ऐसी नई नई चीज़ें पता चलती हैं जो कि रेगुलरली हम एज अ टूरिस्ट कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाते। सो फ्रेंड्स, थैंक्स करना चाहिए हमें संजय जी को, उन्होंने नई चीज़ दिखाई हमें। दोस्तों, इतने प्यारे मौसम में और साथ में इतनी सीनिक व्यू में, आई एम श्योर नेचर से कनेक्ट करने के लिए आप हिल टॉप पे यहाँ पे योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन भी ज़रूर ट्राई करें, मस्ट रिकमेंडेड। और जैसे मैंने बोला था ऊपर वहाँ पे, इफ़ यू लुक एट दैट प्लेस, वहाँ पे रामताल करके जगह है, वो बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप देख सकते हैं कुछ विजिटर्स ऊपर हैं अभी, तो जस्ट उसके नीचे है, प्रॉपर रोड बनी हुई है आने के लिए। अगर आप देखें वो प्रॉपर रोड बनी हुई है और आपको यहाँ से रिजॉर्ट की एंट्री करनी होती है। सो आई गेस आई होप जब आप चक्राता आएँ तो हमारा यही वो है फ़र्ज़ है कि हम अच्छी अच्छी जगह आपको बता पाएँ, अच्छे स्टेइंग ऑप्शंस दिखा पाएँ। सो गाइस, आप लोगों को ये दिखाना था, विच इज़ अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी है, एंड द बेस्ट थिंग इज़ दे आर एट अ डिसेंट रेट। इट इंक्लूड्स योर डिनर एंड ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट। मोर ओवर, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इन ओनर जो संजय हैं उनका नंबर डाल दूंगा, आप डायरेक्ट कॉल करिए और हमारे घूमो वर्ल्ड का रेफरेंस लेंगे, नाम लेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये था विस्लिंग माउंटेन रिजॉर्ट का क्विक टूर। बताइए आपको कैसा लगा, एंड आई एम श्योर इफ़ यू आर कमिंग टू दिस प्लेस आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड एन्जॉय करेंगे नेचर को भी साथ में। आपको कोई क्वेरीज हो तो हमें कॉमेंट में बताइएगा,
साथ में स्टे ट्यून्ड क्योंकि एक एक्साइटिंग जर्नी की तैयारी कर रहे हैं हम और नए वीलॉग को आई एम श्योर आप जरूर लाइक करेंगे। टिल देन घूमो वर्ल्ड के साथ, घूमते रहिए।